हूँ भाई प्रधान जी। हाँ प्रणाम सर। कल्याण हो। एकदम कान में तेल डाल के बैठे हो, दो दिन नहीं बीता, मतलब इनको ये नहीं, अगर ये सोच रहे होंगे हमने अग्रिम जमानत का एप्लीकेशन डाल दिया है न्यायालय, सारा कागजात तो मेरे ही पास आएगा, विवेचक मैं ही हूँ। हाँ, आपके पास है क्या? जी सर। नहीं आप बताओ, ये हवा में चल रहे हैं क्या? अरे भाई हमको सब पता है, तो हमारी तुम्हारी बातें मैं जान ही रहा था कि यही करेंगे लोग, अग्रिम जमानत डालेंगे, जमानत अग्रिम जमानत लेके अपना वो करेंगे, तो कितनी सहूलियत चाहते हैं? यह तरीके का काम होता है आप प्रधान जी? नहीं साहब ऐसे नहीं हो पाता है काम, लेकिन साहब हम आपसे बात कर रहे हैं कि साहब थोड़ा सा दो दिन समय दीजिए तो आपके वाले प्रधान जी आप बेइज्जत हो जाएंगे, तो साहब मैं अपने काम मैंने आपको कहा कि आप दो दिन का समय आपको मैं दिया, लेकिन इन लोगों का जो चाल है आप बेइज्जत हो जाओ, आप राजनीति के आदमी, मैं आपको भविष्य के लिए कहा था, ये लोग कितने भरोसेमंद है ये देखिए आप। हमने आप ही के दो दिन के कहने पर मैंने कुछ न गया न बोला जी। कोई हम गए, कोई दबिश दिया, कोई गया घर में? नहीं सर, तब नहीं आया सर। तब बताओ आप ही की वजह से ना यार, आपने कहा था दो दिन टाइम का ठीक है जाओ, लेकिन इन लोगों की जो चाल है ये आपके लिए ठीक नहीं है, मैंने ये कहा था जी। तो तब मैंने आज आपको फोन मिलाया हूँ। बताए साहब हमसे बताए कोनो बात होगी तो हम हमारे लायक सर कुछ अगर आदेश हो तो सर बताइए आप। अरे यार आदेश नहीं, हम मैंने बताया कि संबंध मैं वो रखता हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं कि मैं संबंध खराब हो गया ऐसा इंस्पेक्टर वाला काम करूँ, मैं हर जगह कई जगह ऐसा रहा हूँ, आप जानते हो मेरे विषय में। जी 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 सर जी। हाँ तो मेरी वो आदत तो नहीं है, हम तुच्छपन वाला इतनी मान लिया, ये चलिए अग्रिम जमानत करवाने के लिए डाले हैं, एक तारीख को इतना मौका हमने इनको दिया क्या? नहीं आप बताइए। नहीं नहीं सर सही बात है। कितना मौका, ये मौका न देता, किसी को उठा के बैठाता, वो बेइज्जत करता, गाली गलौज करता, तोड़ फोड़ करता जी। तो नहीं सर सही बात है, आपने मौका दिया है सर, अब अभी तक मौका मिल रहा है तो उनको थोड़ा सुना बताइए जी, कायदे से कही दे, फिर मौका मिल रहा है तो बिना कहे सुने आके मिल लें, व्यवस्था कर लें की सारी सुविधाएं, जो जितनी सुविधा होगी जितनी व्यवस्था होगी सब करवा देंगे। ओके सर, ओके सर। हिंट तो इतना पता दो कायदे को मिले कही जाए, 10-5 समझा था सर, कहीं अब आगे विवेचना भी मदद हो जाएगी, कहीं बाहर मिला जाए सर की कोतवाली मिला जाए तब? नहीं नहीं बाहर। हाँ तो बाहर ठीक है सर, हम फोन करेंगे 10 बजे लगभग आपको। नहीं तो 10 बजे लगभग नहीं, आप 10 बजे से पहले अगर मिलना हो तो मिल लो, हम निकलेंगे, ये ओरिएंटल वाली गलीवा नहीं है? अच्छा अच्छा सर, ओरिएंटल गली देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ सर, इसी में चौरसिया का मैरिज हाल है, इसी में मैं रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सर, हम मिल लेंगे आपसे। नहीं तो भाई आप क्योंकि आप नए लड़के हो, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपके आप बहुत हल्के पढ़ रहे हो, क्योंकि उधर का मामला और सारी बात आप जान रहे हो कि आप क्यों हल्के पढ़ रहे हो, तो जो जो हल्का है उसकी मदद मैं करूँगा, तो ये लोग कायदे व्यवस्था करें, कायदे काम आए। ओके सर, हम एकदम इस पे तैनात रहेंगे सर, आपकी बात हम समझ गए सर। हाँ और हम इस पे एकदम जरूर टाइट रहेंगे। टाइट हो तो कायर बात कर लो। ठीक है सर। आपको यह बता दे कि सिपाही दीवान वाली बात मत करिएगा, यहाँ रेसो इंस्पेक्टर भी बेचना की बात हो रही, 308 की कायदे की होगी, ठीक रहेगा। अच्छा सर ठीक है। हाँ मतलब ये सोचेंगे 10-5 करके 20 करके 10-20 करके काम कर ले तो 10-20 भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मदद होगी पूरी होगी। ओके सर, ओके सर। देखता हूँ कैसे उधर का तुम कमजोर नहीं पड़ने दूंगा तुमको। ठीक है सर, तब तो और मैं सर। आज करवा लो ना, तो फिर कल से कल तोड़ फोड़ो, जब इसके लिए आज बात हो रही थी। अच्छा हाँ तो आइए तो हम फिर अपना हिसाब से घुमा दे सकते हैं। ठीक ठीक सर, ठीक उनको बता दीजिए, नहीं रात में दबिश पड़ जाएगी। हम भी नहा कर कपड़ा पहन रहे सर, ठंडी लग रही है। हाँ तो बात कर लो, ठीक है बात करके बताओ आपसे।